वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी वाहिगुरु जी, एको गल शेयर कर दो, कई गुरमुखा दे कमेंट्स तो ते कई गुरमुखा दे बहुत ज़्यादा नहीं, दो चार कमेंट होने हैं टोटल ते मैसेज जिन्हों आप कहने उतों पता लगता है कि उन्होंने इंज लगता है कि सिंगणियां लई दमाला बनना जरूरी नहीं है, सिंगा लई जरूरी है। ये ते थोड़ा जा विचार करो वाहिगुरु जी। हाँ जी वाहिगुरु जी, बहुत बीबियों के ऐसे मैसेज आए हैं जिन्होंने अपनी गल शेयर की है कि उनको ना ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं वो कि दस्तार सजानी जरूरी हैगी है या नहीं। ठीक है वाहिगुरु जी, किसी ने तो बहुत कुछ शेयर भी किया सी, मैं बीबियों नू हाथ जोड़ के विनती कर दिया कि वाहिगुरु जी दस्तार सजानी जरूरी हैगी है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने अमृत छकिया है तो पिता जी ने, गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह दस्तार सानू ही बख्शी है वाहिगुरु जी। ठीक है वाहिगुरु जी, तो अपने मन की सोच के या अपनी मन मत करके गुरु साहिब जी की सोच को वो मत बनाओ कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने इदा थोड़ी है भी सिंगा नु कुछ ज्यादा दिता है। हाँ जी, सिंगणियां नु कट दिता है, ये तो आप अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने भी वड्डा छोटा बना। मैं यही बात करना चाह रही थी आगे वाहिगुरु जी की गुरु एक ने तो वाहिगुरु जी यही गल मेरे से पूछ ली थी कि सिंगों को बख्शा है, सिंगणियों को नहीं बख्शा। तो हाँ जी, तो वाहिगुरु जी प्लीज, ये हम जैसे मूर्खों की सोच हो सकती है। गुरु पिता जी ने कभी भी ऐसी नहीं सोच रखी ना। देखो, गुरु पिता जी ने जो चीज़ सिंगों को बख्शी है वही सेम चीज़ सिंगणियों को बख्शी है। ठीक है वाहिगुरु जी, हम क्या सोचने बैठ जाती हैं कि हम तो सिर्फ घर के काम के लिए हैं, ये काम तो सिर्फ सिंगों का है। बट नहीं वाहिगुरु जी, हमें पिताजी ने इक्वल रखा है। ठीक है, ताही अरदास विच कहते हैं ना कि शहीद सिंह सिंगणियों नू याद करना है वाहिगुरु जी। नाले शहीदियां कल्ले सिंगा ने नहीं दितियां, सिंगणियां ने भी दितियां ना। हां जी, छोटे छोटे भुजंगी भुजंगणियां ने भी दिती है। आप वाहिगुरु जी बराबर सोच रखनी है। ठीक है, रहत मर्यादा भी सारे लई सेम हुंदी है, चाहे वह सिंह ने चाहे वह सिंगणी है। ए क्वेश्चन ना लिया करो मन के अंदर, तो जिहड़ा इहो जी गल करे उन्हूं इगनोर करना सीखो। जिहड़ा कहे कि सिंगणी नहीं बन सकदी, सिंह बन सकदा, तुहानूं इत्थों पता लग जाना चाहिए कि गुरु साहिब दी जिहड़ी सोच सी उहनूं किहड़े पासे लैके जा रहे। सतबचन जी, और वाहिगुरु जी कि मेरे को एक बीबी ने यह भी शेयर किया था कि वाहिगुरु जी मैं देखिया है, मतलब उन्होंने शेयर किया था कि एक ना फैमिली है अमृतधारी है, बट वो ना अपना सिर नहीं ढकती, चुन्नी भी नहीं लेती वाहिगुरु जी। तो जब कहते कि मैंने उनसे पूछा कि गुरु साहिब जी ने तो सानू दस्तार बख्शी है, तुसी तो चुन्नी भी नहीं ले रहे, तो वाहिगुरु जी आगे से वो उन्हें रिप्लाई कर दे, अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं है, ढकना है नहीं ढकना अपनी मर्जी है। हाँ, कि महाराज ने नहीं किया। वाहिगुरु जी का मतलब उन्होंने रहत मर्यादा कभी पढ़ी ही उन्होंने ये समक्त नहीं बख्शी पिता जी ने। जो महाराज पिठ कर लेंदे ना फिर मत वज जाती है। हाँ, फिर एहो जिहियां गल्लां आपां करन लग जांदे। सतबज तो वाहिगुरु जी, गुरु पिता जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, ना ही सिंह सिंगणियों दे नाल। ठीक है, माता जब गुरु पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब अमृत छकिया सी पंच प्यारों से, माता पिता जी ने दोनों ने सात अमृत छकिया सी, साथ ही दमाले सजाए सी वाहिगुरु जी। सो प्लीज़ इस चीज़ में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि दस्तार सजानी चाहिए है या नहीं सजानी चाहिए। हाँ, अगर सजानी है, अगर आप स्टार्टिंग मतलब अभी आप नए मतलब आपको नहीं आती तो आप छोटी दस्तार सजा सकते हो, 5 मीटर से सजा सकते हो। ठीक है वाहिगुरु जी, करते करते आप बड़ी भी सजा सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट सजानी बहुत ज़रूरी है वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी एक और गल करनी सी कि जेड़ा आपां देखदे आं मूवियां विच है ना कि जेड़े पुरातन सिंह सिंगणियां जितने भी रहे है ना, तो मूवियों में तो ऐसे दिखाया वाहिगुरु जी जैसे उनके सिर पे सिर्फ रुपट्टा है जी। वो भी वाहिगुरु जी असी अपने मुताबिक करता जी, जबकि पुरातन सिंह सिंगणियां सब दस्तार ही सजांदे सन जी। माता साडी दादी माँ माता गुजर कौर जी, ठीक है, वो भी दस्तार ही सजांदे सन, बट मूवियों विच सानू गलत दिखाया गया है वाहिगुरु जी। इसलिए मूवियाँ देख के तुसी अपना दिमाग ना चलाना वाहिगुरु जी, बस ये याद रखना अगर साडे पिता और माता ने दस्तार सजाई सन तो
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।